हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन द क्लास ऑफ असेंबलिटी फिजिक्स लास्ट अपन न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे कॉम्प्टन इफेक्ट पे। आज अपन कुछ दो या तीन और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए, सारे न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप से है। अब हर स्टूडेंट का इतना कॉन्सेप्ट वो लगा पाए या नहीं लगा पाए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि भाई ये क्लास और न्यूमेरिकल की ली जाए। ठीक है, आज मेरे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, सॉरी, बट पहले मेरे को ये करवाना सही लगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और मैंने उस दिन दो ही न्यूमेरिकल करवा पाया था मैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं उन दो से ही क्या आए हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए, तो आज मैं तीन और न्यूमेरिकल करवाऊंगा और इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या, मैंने पूरा तो नहीं लिखा, जो किताब में लिखा था मैंने उसको समराइज किया ताकि आपको मैं एक ही बोर्ड पर सारे न्यूमेरिकल्स समझा सकूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने बोला एक पदार्थ पर 1600 तथा 1200 दो प्रकार की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आपतित करवाई जाती है। तो जब वो तरंग दैर्ध्य आपतित करवाई जाती है तो उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा अर्थात ई मैक्सिमम। जब पहले आप 1600 आपतित करवाते हो तब अधिकतम गतिज ऊर्जा निकलती है 3.6 इलेक्ट्रॉन, और जब आप 1200 करवाते हो तब अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलती है आपको 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच अर्थात प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें आपको पदार्थ एक ही दिया है, ध्यान देना पदार्थ एक ही दिया है और उस पर दो प्रकार की क्या है तरंग दैर्ध्य आपतित करवाई गई है। और फिर पूछा गया है कि एच की वैल्यू फाइंड आउट करो अर्थात प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करो। तो देखिए कैसे मान ज्ञात करें, हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, आइंस्टीन वाली, उठा लेते हैं उसमें। आइंस्टीन वाली क्या बोलती है कि यदि आप किसी पदार्थ पर एच न्यू आवृत्ति का फोटोन आपतित करवाओ, ठीक है, तो कुछ काम तो उसके कार्यफलन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, या अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा से ले लीजिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, एच न्यू आवृत्ति का जब आपने फोटोन आपतित करवाया तो कुछ तो क्या हो जाएगा कार्यफलन में वेस्ट हो जाएगा और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो किस में काम आ जाएगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा में काम आ जाएगी। और अधिकतम गतिज ऊर्जा का हमारे पास क्या है, मान है। ठीक है, तो मतलब पदार्थ एक ही है लेकिन कंडीशन दो है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अपन क्या बना लें, दो इक्वेशन बना लें। देखना कैसे, यहाँ पे ईवन हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर है तो गतिज ऊर्जा है ना, इसको ईवन के लिए ले ले। ठीक है, एच न्यू जिस आवर्ती का फोटोन है, बाकी कुछ भाग किस में चला जाता है, कार्यफलन में चला जाता है। तो यहाँ पे फाई क्या है, वर्क फंक्शन, जिस जो किताब में आपके डब्लो नोट से दिखाया गया, मैं यहाँ पे वापस कार्यफलन को फाई से लूंगा ताकि आप मतलब कंफ्यूज ना हो। किताब में डब्लू नोट लिख रखा है कार्यफलन को और यहाँ पे हमने पढ़ा था कार्यफलन को फाइव। ठीक है, तो यहाँ से सब पे वन वन लगा दे, यहाँ पे वन निकल जाएगा। बताओ फाइव पे वन लगाऊं या नहीं लगाऊं, फाइव पे वन लगेगा कि नहीं लगेगा, फाइव पे वन नहीं लगेगा क्योंकि जो मैंने शब्द लिखा है एक पदार्थ अर्थात पदार्थ क्या है, सेम है, पदार्थ सेम है और अलग अलग लैम्डा के लिए बात हो रही है, तो ई वन लगेगा, न्यू वन लगेगा, क्या नहीं लगेगा, फाइव वन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं समीकरण एक। समीकरण एक को और तरीके से लिख सकते हैं ना अपन, देखिए कैसे, ई वन बराबर एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस फाइव वन। तो ये बन जाएगी हमारे पास समीकरण एक, और दो क्या बन जाएगी, ई टू बराबर कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा टू, और माइनस कितना हो जाएगा, फाइव। इक्वेशन दो में से इक्वेशन एक को घटाने पर क्या होगा, जब दो में से एक घटाएंगे तो सिंपली माइनस लगा दो एक पे, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये इसमें से घटेगा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एच सी तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वन अपॉन लेमडा टू माइनस वन अपॉन लेमडा वन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट ई टू माइनस ई वन आया। देखिए ई टू ई वन की वैल्यू दे रखी है लेकिन यहाँ पे एक वापस सस्पेंस है, सस्पेंस क्या है कि अपन ई टू पढ़ते हैं किसमें, वोल्ट में पढ़ते हैं, और यहाँ पे दे रखी है कौन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे बनाएंगे, 3.6 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए अपन सिंपली किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1.6 इंटू 10^-19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वोल्ट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बनाएंगे, 1.6 इंटू 10^-19, और ये कितना बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा। तो जब अपन दो में से एक घटाएंगे तो देखिए अपन को वैल्यू किसकी निकालनी, एच की वैल्यू निकालनी, तो एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच की वैल्यू सिंपली निकलेगी ई टू
माइनस ई वन। अब अपॉन में स्टूडेंट ये सारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन अपॉन लेमडा टू माइनस वन अपॉन लेमडा वन। और कुछ आएगा, और आ जाएगा एच सी, क्या आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, सी क्या आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी किसकी, एच की। वापस और देखना चाहो तो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, ई टू माइनस कितना हो जाएगा, ई वन हो जाएगा, लेमडा वन माइनस कितना हो जाएगा, लेमडा टू, ऊपर क्या आ जाएगा, लेमडा वन लेमडा टू चला जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा, और वैल्यू निकल जाएगी किसकी, एच की। अब अपन को क्या रखना है, केवल वैल्यू रखनी है जो हमारी सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, ठीक है। एक यहाँ पे वापस बात, लेमडा किस में है, एंगस्ट्रोम में, मीटर में कैसे बदलोगे, 10 की घात माइनस 10 से क्या करवा के, मल्टीप्लाई करवा के, यहाँ पे 10 की घात माइनस 10 दोनों में आएगी, तो 10 की घात माइनस 10 तो क्या आ जाएगी, कॉमन, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगी, लेमडा वन लेमडा टू है ना, तो दो बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 की घात माइनस 10 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, और अपन को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला न्यूमेरिकल। देखो मैं ये वैल्यू सोल्व नहीं करवाऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यदि आप थोड़ा सा बोलो तो इसको सिंप्लीफाई अपन जरूर कर सकते हैं, लगभग आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आंसर के नंबर नहीं काटेंगे, आपने मेथड कौन सा यूज किया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ई टू माइनस ई वन, ई टू हो गया 6.2 माइनस 3.6, ठीक है। और ई टू माइनस ई वन, देखिए इन दोनों में एक चीज कॉमन आएगी वापस, 1.6 × 10⁻¹⁹ आया, ठीक है। फिर लेमडा टू लेमडा वन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1600 × 1200 और क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 1600 का, और 10 की घात माइनस 10 किसका, 1200 का, ठीक है। अगेन नीचे क्या आ जाएगा, लेमडा वन माइनस लेमडा टू, तो लेमडा वन कितनी, 1.6, यहाँ पे लेमडा वन रहेगा या टू रहेगा, लेमडा वन माइनस लेमडा टू ही रहेगा अभी, सही है। तो ये हो जाएगी 1600 − 1200 और 10 की घात माइनस 10 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अगेन सी की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸, ठीक है, अब तो सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, मेरे को वापस न्यूमेरिकल समझाना, इसमें क्या पदार्थ ए की लिया गया और अलग अलग क्या ले ली गई, लेमडा ले ली गई। तो अब अपन को यहाँ से पूछा गया एच की वैल्यू निकालो, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन थी, क्या बोलता है कि भाई अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर आती है, एच न्यू आवृत्ति का जो फोटोन लेके आया उसमें से किसको घटा दीजिए, कार्यफलन को घटा दीजिए, ठीक है। तो जो बचेगी वही किसकी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो हमने दो समीकरण बना ली और दोनों में से क्या कर दिया, वापस एक दूसरे को घटाया, तो घटाए तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। यदि आप लेना चाहो तो इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर दो, ठीक है। आइए स्टूडेंट, चलिए, आई होप आपने सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसमें आपने मेरे को नहीं लिया होगा, ताकि आपका स्क्रीनशॉट क्या आए, अच्छा आए, ठीक है। पढ़ो रे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन कहता है लिथियम और तांबे के कार्यफलन इतने इतने, तो दृश्य प्रकाश स्रोत में कौन सा पदार्थ काम आएगा। ये आप यदि किताब में देखना चाहो तो ये न्यूमेरिकल है, शायद 10 नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है, कौन सा, 10 नंबर, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि लिथियम और तांबे के कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दृश्य प्रकाश स्रोत में कौन सा पदार्थ काम आएगा, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अपन लिथियम यूज करें या तांबा यूज करें, ठीक है। तो पहले अब हमें दे क्या रखा है ये देखना, कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाओ तो ये देखना डाटा दे क्या रखा है, डाटा में ही आपको क्या मिलेगा, हिंट मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करने का। देखिए, जब हमने इसको सोल्व किया था ना, तो मैंने पहले क्या लिखे थे, डाटा लिखे थे। अब दो डाटा जिस इक्वेशन से मैच कर रहे थे, मैंने सिंपली इक्वेशन को लगा दिया और क्या मिल गए, आंसर। तो जो हिंट मिलेगा वो डाटा में ही मिलता है न्यूमेरिकल का। तो ये बोला लिथियम और तांबे के कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है भाई, फाई होता है, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी, ए बराबर, अपन है तो फाई कार्यफलन, कार्यफलन मतलब कार्य, और कार्य किसके बराबर, ऊर्जा के बराबर, और ऊर्जा को अपन किससे लिखते हैं, एच न्यू नॉट, एक ऐसा मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था। तो कार्यफलन होता है फाई, फाई होता है एच न्यू नॉट। देखिए, अपन को कार्यफलन दो धातुओं के लिए लेना है, एक तो अपन को लिथियम के लिए लेना है और एक लेना है अपन को
ये आपका सुंदर सा कौन सा, तांबे के लिए, ठीक है। तो लिथियम के लिए तो मैं एल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे न्यू की जगह न्यू एल लिख देता हूँ, तो समीकरण नंबर सुंदर से बन जाएगी एक। और जब अपन बात करें तांबे की, तांबे को टी से नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सी से, कॉपर से, ठीक है। एच क्या आ जाएगा, न्यू सी आ जाएगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, दो बन जाएगी। बस इतने डाटा है हमारे पास कि भाई कार्यफलन इतना इतना, तो बताओ कौन सा पदार्थ काम में आएगा, किसके लिए, आप जो प्रकाश सेल बना रहे हो वो किस पे काम करेगा, दृश्य प्रकाश सेल पे काम करेगा, अर्थात आपको एक ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसकी वेवलेंथ इस हिसाब से है कि वो किस में रहे, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में रहे, समझे नहीं समझे। देखिए हमारे पास धातु पे गिराने के लिए कौन सा प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, तो अपन चाहते हैं कि अपन जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल बनाए ना उसका कार्यफलन दृश्य प्रकाश के रेंज में है, तो उससे होगा क्या, उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे, डेली आवर्ती है, ठीक है, उसके बराबर क्या रह जाएगी, वेवलेंथ रह जाएगी, और उससे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। अभी पूरा समझाऊंगा, पहले इसको क्या कर लेते हैं, अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कार्यफलन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पहले तो बदलेंगे अपन वोल्ट में। देखिए कार्यफलन फाई एल लिथियम का दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बदलिए भाई तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10^90 हो गया, फाई एल मिल गया, ठीक है। अब अपन वैल्यू निकालते हैं किसकी, लेमडा की, तो लेमडा कैसे निकाले, इसके लिए फाई एल की वैल्यू ये रही, कितनी, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10^90, और एच की वैल्यू सर कितनी, 6.6 इंटू 10^34। न्यू क्या हो जाता है, सी अपॉन लेमडा, तो सी की वैल्यू 3×10^8 अपॉन लेमडा, किसके लिए निकाल रहे हैं, लिथियम के निकाल लिए हैं, तो लिथियम की लेमडा एल की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितनी आएगी, ये इसको थोड़ा सा मैनेज करके देख लेते हैं, और मैं सीधे वैल्यू ही रख रहा हूँ, ठीक है। लिथियम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.38 इंटू 10^-7 मीटर। बताओ अपन किस में निकालते हैं, अपन एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, तो क्या करें भाई, 10^-10 से गुणा कराएं या भाग लगाएं। देखिए जब आपके पास 5800 एंगस्ट्रॉम लिखा होता है तब आप 10^-10 से क्या कराते हो, मल्टीप्लाई। अब एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो क्या कराओगे, 10^-10 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो ये देखिए ये तो सीधा ही कट रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा, 10^ सुंदर सी माइनस की 3, मतलब 10^3 मतलब 1000 से इसको क्या करवा दीजिए सर, गुणा करवा दीजिए, 1000 से गुणा करवाओगे तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 100, और दो जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 5380 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। स्टूडेंट देखिए ये किसके लिए निकाला हमने, लिथियम के लिए निकाला, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, वीडियो चल तो रहना है ना, देखिए हाँ जी चलिए, लिथियम के लिए हो गया। अब अपन किसके लिए निकालेंगे, कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए एल सी लिख दें, ठीक है भाई, कॉपर के लिए अपन लिख देते हैं एल सी, एल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल सी की वैल्यू बोले सर आप सीधे निकाल लो ऊपर, ठीक है, तो कैसे निकाले, यहाँ पे हो जाएगा एल सी की वैल्यू के लिए फाई सी, फाई सी हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा सी, तो एल सी की लेमडा सी है ना, लेमडा सी की वैल्यू आ जाएगी 6.6×10^-3×10^8, ठीक है। फिर क्या रहेगा, अरे सर सी है ना, मतलब ये सी से सी कैंसिल नहीं होगा, ये लेमडा सी है, फाई सी की वैल्यू दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट में बदलोगे 1.6×10^-19। जब आप इसको पूरा सोल्व कर लोगे तो आपके पास ये सी की वैल्यू आएगी कितनी, 3.094×10^-7। जब अपन चेंज करेंगे वापस तो ये लगभग वापस क्या बन जाएगा, 3094 एंगस्ट्रॉम। ये लीजिए हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट। देखिए अब इस रिजल्ट को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, दृश्य प्रकाश, जो हमारी विजुअल लेंथ होती है उससे कंपेयर करेंगे। अपन जानते हैं दृश्य प्रकाश का लेमडा कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच हमारा क्या रहता है, विजुअल लाइट का लेमडा रहता है। अब बताओ कौन सी ऐसी धातु है जो इसके बीच में क्या कर रही हो, कार्यफलन दे रही हो, तो देखिए 3900
हाँ 3,000 चौड़ में है ना, 3,000 चौड़ में तो नहीं आता क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, 4,000 से। तो अपन कह सकते हैं कि कॉपर तो काम नहीं आएगा। काम कौन सा आएगा? लिथियम काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ आई वो कितनी आई, 5,380। दैट मीन्स ये इसके बीच में ही क्या करती है, कहीं पर लाई करती है। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा लिथियम और तांबे में से कौन सा अच्छा रहेगा, हमारे पास लिथियम अच्छा रहेगा। किसके लिए? दृश्य प्रकाश के लिए। यदि अपन फोटोइलेक्ट्रिक सेल बनाना चाहें तो हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, लिथियम बेटर रहेगा। इसके बाद अब अपन चलते हैं, हमारा एक न्यूमेरिकल और है इम्पोर्टेंट, जिसमें यह बोला जाता है कि 1 मिलीवाट शक्ति वाले है ना, 1 मिलीवाट शक्ति वाले चार्ज। एक न्यूमेरिकल अपन और करते हैं, वो बोर्ड क्या कि थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, तो मैंने इस क्वेश्चन को अलग से लिख दिया, बाकी दोनों क्वेश्चन क्लियर आपके क्लियर है तब। ठीक है, देखिए अब अपन थर्ड जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें लिखा है 1 मिलीवाट शक्ति वाले प्रकाश स्रोत से 4,560 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य विकिरण सीजियम पृष्ठ पर क्या होते हैं, आपतित होते हैं। तो बताओ पृष्ठ कौन सा, सीजियम पृष्ठ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कितनी, 4,560। न्यूमेरिकल का यही ट्रिक है, यही फंडा है। क्या है, बस आपको जो डाटा दिए है ना उसको सोचो, बस उसको सोच के जो पूछा है ना सोचो हम उससे कैसे पहुंच सकते हैं। याद करो पहला न्यूमेरिकल, उसमें हमको क्या दे रखी थी, 2 लेमडा और 2 ई। मैनेज किया, पता चला हाँ यहाँ से एच क्या रह रही है, अननोन रह रही है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू दे दी थी ना, सी की दे दी थी, E1 दे दी, E2 दे दी, λ1 दे दिया, λ2 दे दी, है ना। इस हिसाब से अपन को पता चला कि हाँ ये इक्वेशन क्या हो सकती है, वहाँ पे अप्लाई हो सकती है। उसके बाद दूसरा देखा तो दूसरा में ऐसा कुछ था नहीं कि अपन सोच सके, तो हमने वैल्यू निकाली, दो वैल्यू λ1 और λ2 की निकाली, फिर कंपेयर किया। कंपेयर किसके साथ किया, जो हमारी जो विजुअल लेंथ रहती है जो 4000 से 7800 के बीच वेरी करती है, किसकी, विजुअल प्रकाश की। तो उससे अपन ने सोचा सॉरी कि हाँ ये क्या कर रहा है, इसके बीच में रह रहा है, तो कौन सा सही रहेगा, ये धातु सही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास वापस एक समस्या है। समस्या क्या बोलती है कि 1 मिलीवाट अर्थात शक्ति जो प्रकाश स्रोत उत्पन्न कर रहा है उसकी शक्ति है 1 मिलीवाट शक्ति वाले। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग मतलब हमने इसको देख लिया भाई, एक डाटा यहाँ पे दे रहा है, दूसरा दे रहा है लेमडा में, तीसरा डाटा दे रहा है इस पृष्ठ पर आपतित होते हैं। यदि सीजियम का कार्य फलन 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि सीजियम की क्वांटम क्षमता, क्वांटम क्षमता का मतलब क्या, क्वांटम क्षमता का मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता कितनी, 0.05% हो तो। न्यूमेरिकल क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सोचो बताओ अपन इसको कैसे सॉल्व करें। अपन को दे रखा है केवल लेमडा और दे रखी है पावर, और पूछा है क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, देखिए आइए अपन पहले निकालते, लेमडा है हमारे पास और शक्ति है, तो जो डाटा है ये हिंट हमेशा ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल करो एक रिप्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा, आप उसको पकड़ भी सकोगे और आप सोच भी पाओगे कि हाँ अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। फंडा समझ लीजिए, जो डाटा दिया उसको लिखिए और फिर जितना आप जानते हो उस पर काम कीजिए, आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पहला डाटा वो दे रहा है कि पावर, पावर आपको दे रहा है 1 मिलीवाट, इसको वोट में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा भाई, 1 मिलीवाट तो दे रखा है, ये लीजिए 1 मिलीवाट, इसको वाट में बदलेंगे तो 1×10^-3 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे पावर दे रखी है, फिर क्या दे रखी है, लेमडा, आपको लेमडा दे रखी है सुंदर से 4,560 एंगस्ट्रॉम। पहले तो इसको मीटर में ही बदल ले, ठीक है, तो 4,560 × 10^-10 मीटर, क्लियर, ओके। अब देखिए आगे लेमडा से अपन क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा, क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा अर्थात आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा। देखिए आपतित फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालें, ऊर्जा के लिए अपन क्या जानते हैं भाई, E इक्वल्स टू होता है एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू C/λ, तो ये आपतित फोटोन की क्या आ जाएगी, हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, निकालिए E की वैल्यू कितनी होगी, एच की वैल्यू अपन जानते हैं 6.6×10^34, ठीक है, और C की वैल्यू 3×10^8, ठीक है, 10^8,
और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में लेमडा, लेमडा कितना 4560 इंटू 10^-10, ठीक है 10^-10, इसको जब अपन सोल्व आउट कर लेंगे और कुछ तो नहीं रहा ना, देखिए एच की वैल्यू लिख दी है, सी की वैल्यू लिख दी है, लेमडा की वैल्यू लिख दी है, हाँ इसको जब अपन सोल्व आउट करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, ये यहाँ पे दे रखा होगा, देखिए आइए इसकी फिक्स आएगी 4.3 × 10^-19 जूल, 4.3 × 10^-19 जूल एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी इसको सोल्व नहीं किया बेटा, टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आगे E निकल गई, पावर निकल गई, तो अपन जानते हैं पावर अपॉन E क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इस ये हिंट रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन की कैसे हुआ ये भी अभी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए स्मॉल n से, कैसे निकालेंगे वैल्यू किसकी, पावर की बटे एनर्जी, तो पावर कितना 1×10^-3 अपॉन एनर्जी की वैल्यू कितनी 4.3 × 10^-19, जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2.32 × 10^5, 2.32 × 10^5 ये आई इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, जबकि सीजियम की क्वांटम क्षमता कितनी है 0.05 क्वांटम क्षमता का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करेंगे, मतलब धातु से क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, ठीक है। तो क्वांटम क्षमता ये होगी, तो क्वांटम क्षमता के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एफिशिएंसी है सीजियम की क्वांटम क्षमता वो कितनी है 0.05%। यहाँ पे आप लिखोगे एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे तब आप लिखोगे कि चूंकि सीजियम की क्वांटम क्षमता 0.05% है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों में से केवल और केवल वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, धारा का चालन करेंगे, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, कुल इलेक्ट्रॉन है 2.32 × 10^5। अब इनका 0.05% निकालिए कितना होगा, 0.05/100। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.16 × 10^13। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.16 × 10^13। ये लीजिए आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें केवल एक हिंट अभी भी रखा है, सर कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पावर अपॉन एनर्जी होगी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए पावर का मतलब कि यहाँ पे एक ट्विस्ट यह रह जाता है कि हमें कैसे पता चले कि सर इसमें अपन को पावर अपॉन में एनर्जी करनी है, ठीक है भाई। चलिए ये तो न्यूमेरिकल हो गया, एग्जाम न्यूमेरिकल होने से पहले हम ये कैसे सोच पाएं, ठीक है। तो ये इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए अपन को कोई बोले कि एक क्लासरूम है उसको आप हर बच्चे को केवल मैक्सिमम आप 3 चॉकलेट दे सकते हो, ठीक है, कितनी 3, ठीक है मैक्सिमम। और आपने जब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की तो आपके टोटल चॉकलेट कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गई 300, तो ये तो क्या आ गई एनर्जी, मैक्सिमम आप दे कितने सकते थे 3 चॉकलेट। तो अब आपने देखा, आपको कोई पूछे कि क्लास में स्टूडेंट कितने हुए, तो आप क्या करोगे, कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई एवरेज निकाल के अपन स्टूडेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही यहाँ पे हुआ है पावर, ठीक है, और बट्टे टोटल कितनी एनर्जी लगी। तो यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन सोच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो केवल और केवल न्यूमेरिकल पर्पज से था, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ था कि मैं 2 ही न्यूमेरिकल करवाऊँ या 2 न्यूमेरिकल से काम हो जाएगा, फिर मैंने एक वापस ट्राई किया, इसमें 3 न्यूमेरिकल और एड करवाए, फिर भी आपको और कोई भी न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो, उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप जो SMDT मौरी देवी तापड़िया फिजिक्स का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मेरे को कभी भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके या मैसेज करके बोल सकते हो सर ये न्यूमेरिकल आप डिस्कस कीजिए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये स्टूडेंट, अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मैटर वेव होगा, यहाँ तक हमारी लगभग आधी यूनिट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, आधी क्या, आधी से थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है, ठीक है। फिर मैटर वेव और मोटर वेव के बाद में एक दो श्रोडिंगर इक्वेशन और ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ तक इन टॉपिक्स में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट है,
फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस बोल सकते हो सर ये न्यूमेरिकल वापस करवाइए, या जो आपने ये न्यूमेरिकल नहीं करवाया है ये कैसे सोल्व हुआ। तो अपन को न्यूमेरिकल पार्ट भी साथ लिख के हुए चलना है ताकि हमारे एग्जाम में किसी भी प्रकार से नंबर क्या ना हो कम ना हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।